उससे बड़ा बेईमान बंदा नहीं है जो हमारा सीएम है। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है, उससे बड़ा बेईमान है नहीं कोई। अरे इतना काम किया, बेहिसाब काम किया है। मान तो पब्लिक का पैसा पब्लिक में बांट दिया, बांट तो रहे, वो तो अपने घरों में लेके जा रहे हैं। ये फेंकू है बता तो रहे हैं हम आपको, नंबर एक फेंकू, इसके नाम से पिक्चर बननी चाहिए। फेंकू क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा है। मैंने ये सुना था कि केजरीवाल जी ने बोला कि सबका जीरो बिल आएगा। मेरे घर में 6 महीने तक जीरो बिल आता रहा, ठीक है। मेरे घर में जीरो बिल आए जुलाई तक, यानी पिछले जुलाई 21 तक जीरो बिल आया, और अगस्त सितंबर में 1,10,000 बिल आ गया। अब मैं ये लड़ाई कहाँ से शुरू करूँ? अब मुझे आप ये बताइए, अब मैं किसके पास जाऊँ? अगर आप ये कहते हैं कि हमने जीरो बिल दिया है, तो पूरे 8 महीने तक जीरो बिल आया, 9वें महीने 1,10,000 बिल आ गया। अगर मैं 1,10,000 का, वो कहते हैं जी आपको छूट देता है 25% की, तो क्या मैं उसको 1,10,000 का जमा करा सकती हूँ? आप मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि फ्री में बिजली मिल रही है, उसके बाद अचानक से नहीं सबको बोला ना पानी फ्री में है। तो मेरे घर में 2 लोग हैं, हम लोग 2 घर में जीरो बिल आ रहा था, जब से बोला तो से जीरो आ रहा था। जुलाई 21 के बाद अगस्त सितंबर, 21 सितंबर को बिल आया 1.5 महीने का, उसमें 1,10,000 रुपया आया बिल। अब मैं ये लड़ाई कहाँ से? अच्छा आप मुझे बताइए, उसको अगर मैं 8 महीने में डिवाइड करती हूँ, 8 महीने का जीरो था, तो मेरा कितने में महीना बिल हुआ? कितने में महीना बिल हुआ? तो 15,000 का बिजली का बिल आ रहा है आपका, 800 रुपए, और पानी का बिल आ रहा है जिसमें सिर्फ मैंने सिर्फ मैं पानी पीती नहीं हूँ, मैं अपने मतलब बोतल पानी पीने का बाहर से मंगाती हूँ, सिर्फ घर में सफाई का। तो आप कितना पानी लगा सकते हो? आप 1,10,000 का बिल आ सकता है आपका? ये लड़ाई मैं कहाँ से शुरू करूँ? किसको दिखाऊँ? मतलब मैं किसको अपॉइंट करूँ? अगर वो कहते हैं जी माफी योजना 50% दो, तो क्या मैं 50% जमा करा दूँ? मेरे को तो ये नहीं पता लड़ाई का शुरू करूं। और ये कौन कहता है कि जीरो बिल आ रहा है? मेरे तो अपने मेरे पास तो बिल पड़ा हुआ है। अभी बता कहते हैं पूरे देश में हम फ्री बिल बांटेंगे, तो मेरे पास आओ ना देखो आए, तो मेरे को पता नहीं था, मैं तो मंदिर से निकली, तो मैंने को आपने बता दिया पूरे 8 महीने तक जीरो है, 8 या 7 महीने तक जीरो बिल आया, और 1.5 महीने के बाद 1,10,000 बिल आ गया। अब मैं किसी लड़ाई किसके पास जाऊँ? किसे जिनके पास गई हूँ जल बोर्ड वालों के पास, वो कहते हैं जी वो वाला मीटर था एलएनटी का, उनसे बात करो। हमारे को एलएनटी से क्या लेने देना होगा? नहीं आप एक बात बताइए ना, मैं बिजली के बिल वहाँ गई, बिजली के पानी वाले दफ्तर गई, वो कहते हैं जी एलएनटी के वालों से बात करो क्योंकि मीटर एलएनटी का है। तो एलएनटी का मीटर क्या मैंने लगाया है कि उसके लिए मैं एलएनटी लगा ढूंढूंगी? मैं तो दिल्ली जल बोर्ड से बात करूंगी ना। अब आप बताइए मैं इसके लिए किसके पास जाऊँ? मतलब 1,10,000 के बिल की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, और कितना पैसा पे करूँ, और मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँ? और अगर आप उसको 8 महीने में डिवाइड करते हो तो जीरो बिल कैसे हुआ? जीरो बिल कैसे हुआ ये बताइए, मेरे को आंसर दीजिए। नहीं तो अरविंद का बिल दे सकती हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल जी इसी आधार पर कहते हैं कि हम पूरे देश में भाजपा की सरकार को हराएंगे, तो आप मतलब आपको क्या लगता है? मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, मैं क्या जो मैं भुगत भोगती हूँ मैं क्या बताऊँ? जीरो बिल कहाँ पर है? मैं वही तो कह रही हूँ, मैं इससे मैं लाई नहीं, मेरा 1,10,000 बिल आया 7 या 8 महीने का। अच्छा चलिए बिजली का एक समस्या हुआ, बाकी चीजों का बिल, पानी का बिल आइए, पानी का 1,10,000 रुपया, पानी का 1,10,000। हाँ उसी की तो बात कर रही हूँ मैं, बिजली के बिल की बात नहीं कर रही। बिजली का बिल तो 900 रुपए, 800 रुपए, 3,000 रुपया आ रहा है, और उसकी बिल आ रहा है 1,10,000। पानी का बिल 1,10,000 रुपया, पहले 8 महीने जीरो आया, और उसके बाद 2 महीने के बाद जुलाई के बाद अगस्त सितंबर का 1,10,000 बिल आया। उससे बड़ा बेईमान बंदा नहीं है जो हमारा सीएम है। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है, उससे बड़ा बेईमान है नहीं कोई। आप लोग सब गलत बताते हैं, और जो न्यूज चैनल खड़ा होता है रोड प्लेस में प्रतीक, वो तो बात करते हो हो करके निकल जाता है। चैनल पे चैनल की बात मत करो, ना बोलूं मैं जरूर बोलूंगा भाई। आप लोग जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? वो बेईमान आदमी को बढ़ाए जाओ, कुछ करना नहीं है। आप लोग तो असलियत दिखाते नहीं हो। बताइए असलियत क्या केजरीवाल सरकार की? जो भी बिजली फ्री वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वो देगी तो देगा ना। अरे अभी पंजाब में हम अपनी जेब से दे रहे हैं। एक मिनट, जो लोकल बंदे है ना पान वाले हो गए, वो कहते हैं भैया हमको कुछ मिलता नहीं, जाओ के पता तो करो नरवगढ़ रोड पे, रामा रोड पे पता करो वहाँ जाके। केजरीवाल कहते हैं देश नंबर 1 बनाएंगे, मोदी को हटाओ। अरे केजरीवाल क्या नंबर 1 बनाएगा? जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जिसने अन्ना हजारे को लात मार दी, वो क्या बनाएगा? क्या बात, एक मिनट सुनिए, एक मिनट क्या बनाएगा नंबर 1? जो शिला जो सा शिला दीक्षित करके गई है ना, उसे उन्हें मिली पकी पकाई थाली, उसके मजे ले रहा है। अच्छा हाँ जी, कहते हैं देश को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है। अबे उसको पता नहीं है गुजरात इतना बढ़िया बना हुआ है, गुजरात में सरकार हम बनाएंगे, गुजरात में टोल टैक्स नहीं है ना, दिल्ली का पैदाइश की जमानत भी जब्त हो जाएगी गुजरात में। केजरीवाल के कैंडिडेट 100% बच्चों की कसम खाता है, बच्चों की कसम। केजरीवाल के जितने भी कैंडिडेट है ना, उन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी, दिल्ली गुजरात और हिमाचल जहाँ भी वो लड़ रहा है। हेलो आप लोग तो बता नहीं रहा, एक मिनट जी, इंदरपुर में जो उसका घर बन रहा है करोड़ों का, वो कौन नहीं बता रहा? ये प्रॉपर्टियां पटेल नगर में कहां से आई? प्रॉपर्टियां पटेल नगर रोड पे कौन जाके क्यों नहीं जाके देखते आप लोग? तो कहते हैं हम गरीब हैं। गरीब कहां से? पहले एक मिनट, जब वो पहली बार आया था ना, सुनिए एक मिनट, कहां से गरीब हो गया वो? जब वो आया था ना, फटी हुई वो जली हुई कमीज दिखा रहा था, चेक वाली कमीज,
चेक वाली कमीज, आप कपड़े देखो, चप्पले हांगकांग की चप्पले पहनता है वो, बातें कर रहे हैं आप लोग, हेल्थ देखो हेल्थ है भाई साहब, वो तो आप सब कुछ छोड़ दो। जब वो आया था ना तब का उसका वेट देख लो और आज का उसका वजन देख लो, कितना पता लग जाएगा किसने खाया है। वो जो सही बात है, चेहरा ऐसा बनाता है, उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। इन्हें पता जो बेवकूफ लोग दे रहे हैं ना, जो दिल्ली में दंगे हुए थे उन्होंने मौत पे बटन दबाया था अपने, मैं नहीं बोला, आप पब्लिक बोली, मैं फील्ड में रहता हूँ, फील्ड में दिल्ली की जनता पछता रही है कि हमसे क्या हो गया। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी मिली, कांग्रेस दोबारा आ जाए ज्यादा अच्छा है, बीजेपी तो मैं तो बीजेपी यही सोच रही हो, कांग्रेस दोबारा आ जाए ये बेईमान हट जाए, जो उसको देगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हमने तो दिया नहीं आज तक, हम तो चाहते भी ऐसा बंदा है। वो कहते हैं पूरी दिल्ली हमको प्यार करती है। चलो मैं बताता हूँ, 13 में एक मिनट दी, 13 में बिरला मंदिर पे खड़ा हुआ था, मैं खड़ा होता, मेरे सामने इतनी दूरी पे खड़ा था, दो आए एनडीएमसी क्रॉड प्लेस की, जितनी भी एनडीएमसी की दुकानें किराए पर है, किराया लाखों करोड़ों में है, दो बंदे अपने खड़े कर दिए जी। वो कहते हैं भाई साहब दुकान हमारे नाम रजिस्ट्री नहीं हो रही। वो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एनडीएमसी की दुकान सारी किराए पर है। केजरीवाल को सुनना तो सुन ले, मैं खड़ा था, सामने लोग खड़े थे, सारे मीडिया वाले मेरे पीछे खड़े थे, दो लोग आके बोलते मुझे एनडीएमसी का ना, एनडीएमसी की दुकान ना हमारे नाम नहीं हो रही, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि वहां पे किराए है। आदमी है ना जो कहता था मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं फैसिलिटी नहीं लूंगा, सारी फैसिलिटी ले रहा है, लाल बत्ती भी ले रहा है, लग्जरी मकान भी ले रहा है, गाड़ियां भी ले रहा है, 14 लाख रुपए है मोदी जी एनडीएमसी। बस दुनिया परेशान है जी इससे, केजरीवाल जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों क्या मतलब दिक्कत है? तो कहते हैं हम आम आदमी हैं, कट्टर ईमानदार हैं। भाई साहब फेंकू है, फेंकू है ये मोदी जी को फेंकू कहते हैं? ना ये फेंकू है, ये फेंक कर ही फेंकता और कैच करता है। कहते हैं हम काम करते हैं, मोदी जी फेंकते हैं खाली। नहीं ये फेंकू है, ये फेंकू है, बोलिए। मैं देसी आदमी हूँ बिल्कुल, गामड़ी गाँव में रहता हूँ, भजनपुरा एरिया में। इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, कोई पानी फ्री नहीं है, नहीं है कोई बिजली फ्री नहीं है, काहे की बिजली फ्री है? नहीं बताओ, आप बताओ। नहीं चाचा, हाँ हाँ ठीक है चाचा, बिजली फ्री है? हाँ, आप बताओ। अरे पूछ लिया, अब इनसे बात करें। ये बताओ, हमारे यहाँ एक पढ़ते हम पढ़ते आए हैं, जन कल्याण स्कूल है, उसकी आज तक वो बिल्डिंग नहीं बनवा भाई, जन कल्याण स्कूल है, आप उसे बता दो ना मुझे। ये केजरीवाल सरकार मुझे बता देगी स्कूल कहाँ है। इधर आइए थोड़ा। नहीं स्कूल बता दें, वो स्कूल कहाँ है, थोड़ा इधर आइए तो आप वो स्कूल बता दें। भाई साहब जिसने देना होता है वो हल्ला नहीं मचाता है। अभी मोदी ने कालकाजी में फ्लैट दिया झोपड़ी वालों को, उसकी कीमत ही 1 करोड़ रुपए है, देना इसको कहते हैं। ये झुंझुना झुंझुना दे दिया, 10 को दे दिया, 50 को लूट लिया, उसकी टोपी उसको डाल और उसकी टोपी उसको डाल, ये काम करता भाई ये। केजरीवाल जी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं गुजरात मोदी मॉडल जो है फेल है, हमारा मॉडल बेस्ट है। अरे बस सर जी यही फेल है, यही फेल है, ये फेंकू है, बता तो रहे हैं हम आपको, नंबर एक फेंकू, इसके नाम से पिक्चर बननी चाहिए, फेंकू नंबर एक फेंकू। आपको क्या लगता है? नेता कहते हैं सबका साथ सबका विनाश, यही बोलते हैं। कौन नेता? अरे सब जितने गवार नेता हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं। मोदी जी की तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं मोदी जी के लिए नहीं, मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं देश में। हाँ साहब क्या कह रहे साहब? कह रहे सारे गवार नेता। अरे नहीं बोल दीजिए, बोली बोली, दिल की बात जबान तक लानी चाहिए। गवार नेता थोड़े सारे पढ़े लिखे भी है भाई इसके अंदर, जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए बोल रहा हूं, कह रही हो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, आपको क्या लगता है जो केजरीवाल जी का कामकाज दिल्ली में है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, केजरीवाल का बर्बाद कर दिया। नहीं बहुत अच्छा कर दिया भाई साहब, जिंदगी बना दी लोगों की केजरीवाल ने। बताइए बहुत चीज नहीं बनाई, मैं सबकी बनाई है, जितने भी है केजरीवाल को भी वोट जाएगा, जिसको जो मर्जी हो जाए। अच्छा हाँ जी सर, लगता है केजरीवाल जी कोट जाएगा। ये भाई साहब को टेलीफोन आया था, भाई साहब को टेलीफोन आया था ऊपर से कि सब मोदी और सब केजरीवाल को दे दो, कहने से क्या होता भाई साहब? केजरीवाल ही आएगा भाई। हाँ जी अरे रुको यार, रुक जाओ भैया, केजरीवाल जी के बारे में भाजपा वाले कहते हैं कुछ काम धाम नहीं करते, बस खाली फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे इतना काम किया, बेहिसाब काम किया है, मान तो पब्लिक का पैसा पब्लिक में बांट दिया, बांट तो रहे हैं, वो तो अपने घरों में ले जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस 1500 में बनता था, ओ भाई साहब सुनो, इधर बताओ इधर, जो ड्राइविंग लाइसेंस 1500 का बनता था आज 5000 का बनता है दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, बनाओ तो सही है, रख कहते थे करप्शन खत्म कर देंगे, 4 गुना करप्शन है जी, 4 गुना पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं। ये जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं, सरकारी प्रॉपर्टी है, ये लठ लेकर बंद करवा रहा था, ये बीजेपी वालों ने डंडा दिया इसको।
तब जाके रुके ये। अच्छा। अरे भाई साहब अभी इसका बस ना चले तो ये दूसरा मिनी पाकिस्तान खड़ा कर देगा ये बिल्कुल। एक मिनट देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गरीब अगर आपके विधायक से पहचान नहीं है तो आपकी सुनवाई है, मेरी नहीं है। मैं एक बात, केजरीवाल जी आदर्शवाद की बात करते थे तो प्रश्न आदर्श हिसाब से पूछे जाएंगे, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। बताइए ना, अरे केजरीवाल जी को कहते थे हम बेस्ट हैं, हम बदल देंगे राजनीति। ये तो जी साहब जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत सिंह जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली में कामकाज केजरीवाल जी का कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चचा जी पीछे खड़े हैं, वो कह रहे थे फेकू है। देखो मेरी बात सुनो, जो जो खाते हैं ना वही गाली निकालते हैं हमेशा ही जिंदगी। हमने तो सुना था जो खाते हैं वो गाते हैं, तो वही तो है। एक सेकंड सरदार जी, कल गुरुद्वारा कमेटी ने ऐलान किया है बीजेपी को, वो भी खाते हैं क्या? बताओ आप, गुरुद्वारे से उसको क्या मतलब? गुरुद्वारे का केजरीवाल से क्या मतलब? कमेटी ने नहीं, केजरीवाल जी का जो कामकाज है उस पर बढ़िया है, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। ऐसे है देखो, ये एक दूसरे को बुरा भला करते ही रहेंगे, ये तो सारी जिंदगी कोई भी पार्टियां आएंगी एक दूसरे को बुरा कहेंगी कहेंगी। मोदी जी का कामकाज कैसा लगा? ऐसे देखो, मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है। देखो सेंटर के लिए मोदी जी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मोदी जी बढ़िया है, यूपी के लिए योगी जी बढ़िया है, दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल जी बढ़िया है। सो बात, केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी देश के लिए बढ़िया नहीं है, हमको प्रधानमंत्री बनाओ। वो जो मर्जी कहने दो भैया, कहने से नहीं, कहने से क्या, कहने में तो हर इंसान अपने आप को अच्छा कहता है, लेकिन उसकी क्रूतियां तब दिखती है जब लोग उसकी बुराई करते हैं। और जो मोदी जी है पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो कोई नहीं हो सकता, ना है ना था ना होगा। गजब बात कर रहे हैं, चोट पे। हाँ, केजरीवाल जी कहते हैं हमको बना दो प्रधान। केजरीवाल जी का कहने में आप, वो भी बनेंगे, कहने में आप कह दो मुझे बना दो, ये कह देंगे वो कह देंगे। जब प्रधानमंत्री की सीट पे बैठता है ना इंसान, तब उसे पता लगता है कि संसार में क्या हो रहा है और मुझे कैसे रहना है, मैंने कैसे देश चलाना है। अभी घर नहीं चला पाता भैया बंदा, क्या बात कर रहे हो? कहते हैं दिल्ली चलाई है देश चला लेंगे। अरे दिल्ली उसने जैसे चलाई है, दिल्ली की जनता बता रही है, जनता के रूप में। और सुनिए, जो 4 तारीख को वोटिंग होगी ना, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो पता लग जाएगा दिल्ली क्या चला। कह रहे हैं दिल्ली बर्बाद कर दी। कहाँ पे बर्बाद कर दी? गरीब मालिश वाले, मालिश वाले, सारे नेता तो मालिश, तिहाड़ जेल में मालिश वाले, और वो फल फ्रूट ड्राई फ्रूट बीमार और रेपिस्ट क्या बढ़िया कर दिया। नहीं, जो 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 उसको रेपिस्ट खाए वो ना करो, वो उसको छोड़ दो। छोड़ दे भैया, छोड़ना क्यों है? नहीं नहीं, एक मिनट, जो जो खराब चीजें आप उसको कह रहे हो, आप उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ेंगे खराब चीजें? जेल में पड़ा है ना, जेल किस लिए है? जेल किस लिए है? ताकि मालिश ना हो, आराम ना मिले, चैन सुकून ना मिले, टीवी का रिमोट ना मिले, एसी ना मिले, बिजली पानी ना मिले। जेल में ही है ना, तो जो वहाँ ये सब कैसे मिल रहा है? जो जो जनता ये सब कैसे मिल रहा है? वो तो अपना खा रही है। बाहर की जनता बिस्लरी पानी नहीं पी रही है, बाहर की तो केजरीवाल जी के पाइप वाला पानी पी रही है। जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपने अपने हिसाब किताब से रहेगा ना। केजरीवाल जी चाहे तो पाइप में भी दारू दे देंगे, क्या बात करते हो आप? वो चाहे तो पाइप में भी दारू डाल डालेंगे भैया।